करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां पर सियासत हो रही है। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान हो चुका है, जम्मू कश्मीर में रह रहे बाहरी लोग भी वोट डाल पाएंगे। आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदय कुमार ने ऐलान किया है, बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है, सैनिक भी वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करा सकते हैं। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के बाद लगातार सियासत भी हो रही है। जम्मू कश्मीर में इस साल विधानसभा चुनाव होने की संभावना है, इससे पहले चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदय कुमार ने कहा कि जो गैर कश्मीरी लोग राज्य में रह रहे हैं वो अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराकर वोट डाल सकते हैं। जिसके बाद महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी सरकार पर एक के बाद एक कई हमले बोले हैं, जिसके लिए उन्हें निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा बलों के जवान भी वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करा सकते हैं। हृदय कुमार ने बुधवार को बताया कि जम्मू कश्मीर में इस बार करीब 25 लाख नए वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि कर्मचारी, छात्र, मजदूर और कोई भी गैर स्थानीय जो कश्मीर में रहता है वह अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करा सकता है। उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए स्थानीय निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों के जवान भी वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराकर वोटिंग कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर लगातार सियासत भी हो रही है, नेता राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ एक्स डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। धन्यवाद सर। आप इसे किस तरीके से देख पा रहे हैं, एक बड़ा ऐलान यहाँ पर किया गया है कि यानी कि जो जम्मू कश्मीर के जो बाहरी लोग हैं वो भी यहाँ पर मतदान कर सकते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर के 10 पाकिस्तान रेफ्यूजीज को, गोरखा समाज को, वाल्मीकि समाज को लगातार 70 साल धारा 370 के कारण से कोई अधिकार नहीं दिए गए थे। जी सर। यहाँ तक कि जो लोग आज बोल रहे हैं, इन्होंने रीसेटलमेंट बिल ला करके पाकिस्तान के लोगों को यहाँ बुलाने की एक कोशिश की थी। जी। जब धारा 370 जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार से लड़ती आई है और 1953 से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान यहाँ पर हुआ था, तब से यही था कि जम्मू कश्मीर को कोई स्पेशल स्टेटस हम नहीं देना चाहते, ये पूरे भारत की तरह एक वही राज्य है और ये हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। आज जब धारा 370 टूटने के बाद परिस्थितियां बदली है, तो जो लोग यहाँ पर सुरक्षा बल हमारे बॉर्डर्स के लिए लड़ते हैं, जो हमारे लोग हमारी सुरक्षा करते हैं, तो उनको अधिकार वोट का क्यों ना हो, वो अपने घरों में जाकर के वोट नहीं डाल सकते? इसी प्रकार से जिन लोगों से हम, चाहे वो मजदूर तबका है जिनसे हम काम लेते हैं, उनको वोट का अधिकार क्यों ना हो? ये आज भी पुराने जमाने में धारा 370 जब थी उसी तरह के सपने ले रहे हैं और वो वापस आने वाली नहीं है। देश का हर नागरिक बराबर है, हर जगह उसको वोट डालने का अधिकार है। तो इस सारे संदर्भ में मुझे इतना कहना है, आज महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला जो भी कहते हैं वो मान्य नहीं। जी सर, उनका ये कहना है कि बीजेपी इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, तो आप इस बयान के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर लगातार सियासत होती है। भारतीय जनता पार्टी चाहे वो जनसंघ के रूप में थी, चाहे वो प्रजा परिषद के रूप में थी, तब तक हमारी यही डिमांड रही है कि जम्मू कश्मीर के में जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है उसके कारण से आतंकवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार, पाकिस्तान परस्ती, ये सब चीजें लाई है। जम्मू कश्मीर में 30 साल जो मिलिटेंट्स ने झेला है, ये इसी की जो के कारण से है। आज जब भारत के सभी लोग यहाँ पर आकर के अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, तो क्यों ना उनको वोट का भी अधिकार दिया जाए? ये भारतीय जनता पार्टी को इनसे सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। और ये जो भी कहेंगे, ये तो हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं। जी सर। तो मुझे लगता है कि हम भारत की बात करेंगे तो भारत के हर नागरिक को बराबर के अधिकार है, वो कहीं भी अपने वोट का प्रयोग कर सकता है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अभिजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सर आप इसे किस तरीके से देख पा रहे हैं, चुनाव आयोग का यहाँ पर एक बड़ा ऐलान हो चुका है, ऐलान के बाद लगातार सियासत हो रही है। महबूबा मुफ्ती ने कई आरोप लगाए हैं आपके ऊपर, आरोप नंबर एक ये है कि आप हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं।
देखिए, किसी के मैं आरोप प्रत्यारोप पे कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता, लेकिन एक चीज जरूर समझनी चाहिए कि जहां पर जो भी नागरिक रह रहा है वो हिंदुस्तान का नागरिक है जी। और हिंदुस्तान के नागरिक को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने का पूरा हक है, और ये हक हमें जो हमारा संविधान देता है, हमें किसी परिवारवाद के लीडर से इसका हमारे को कोई अनुमति नहीं लेनी है जी। जब हमारा संविधान हमें कहता है कि हम यहाँ पर अपना मत डाल सकते हैं तो क्यों नहीं डाल सकते? अगर जम्मू कश्मीर का नागरिक जो है यहाँ से कहीं बाहर अगर है वो डाल सकता है तो यहाँ पर क्यों नहीं डाल सकते लोग? सबसे बड़ी बात यह आती है। अब ये जो परिवारवाद से गलत जो पार्टियां हैं ये ऐसा क्यों नहीं चाहती? क्योंकि पिछले 40-50 सालों ने इन्होंने और अपनी राजनीति केवल और केवल इसी चीज पर चलाई है कि यहाँ पर ये बाहर का अंदर का हिंदुस्तान का यहाँ का पाकिस्तान का यही करते रहे। इन्होंने कभी भी किसी को अपना समझा ही नहीं। इनकी सियासत ही हमेशा इसके ऊपर चलती रही, लेकिन आज इनकी सियासी जमीन जो है वो खिसक चुकी है। इसका कारण ये है कि धारा 370 की उन बेड़ियों से हमें निजात मिल चुकी है और हम पूर्ण रूप से हिंदुस्तान में हमारा विलय हो चुका है और हमें इस चीज का गर्व है जी। सर अपोजिशन ये भी कहता है जी, जी सर अपोजिशन का सर ये भी आरोप रहता है कि धारा 370 हटने के बाद घाटी में लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपने एक बड़ा ऐलान यहाँ पर किया है, तो हो सकता है इसके बाद और भी अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाएं, हो सकता है यहाँ पर दोबारा से हिंदुओं को दोबारा से उनको टारगेट किया जाए। देखिए, इस तरह के अनुमान लगाना जो वो ठीक नहीं है। सबसे पहली बात ये आती है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान एक प्रॉक्सी वार चला रहा है जी, वो वार पहले किसी और ढंग की थी, अब ये पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन है और इस फ्रस्ट्रेशन में पाकिस्तान वहां पर घात पहुंचाना चाहता है जहां पर हमें सबसे ज्यादा हार्ट कर रहता है। जिस तरह से अभी पिछले एक दिन पहले सुनील जी की हत्या कर दी गई, क्योंकि ये जो कश्मीरी पंडित है ये हमारा दिल है, हमारी जिगर है कश्मीर का। जब इस पे हमें घात होता है तो सबसे ज्यादा हमें हार्ट शुरू होता है। लेकिन इस तरह की घटनाएं जो है वो कभी कभी जो होती है निंदनीय है, लेकिन आज पूरी तरह से टेररिज्म के ऊपर इन पत्थरबाजों पर पूरी तरह से लगाम कस दी चुकी है। आज आपको कोई भी एरिया कमांडर नजर नहीं आएगा, कोई कोर कमांडर नजर नहीं आएगा। आज ये लोग घात लगाकर और इन मासूमों का खून बहाते हैं जी। लेकिन इनका भी इलाज बहुत हद तक करिए जगह, क्योंकि कश्मीर आज एक नया कश्मीर बन चुका है, एक नई तरक्की की एक रास्ते पर हम चल चुके हैं। एम्स हो गए, आपके मेडिकल कॉलेजेस हो गए, जितने तरह के आज काम है, और आज हकदार को हक मिल रहा है, क्योंकि इन पॉलिटिकल पार्टीज ने जो भी यहाँ पर परिवारवाद चलाती थी, इन्होंने बैकडोर अपॉइंटमेंट कर अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दे देकर यहाँ पर एक किस्म की जो नाइंसाफी की थी, उसी के कारण तो सारे का सारा यहाँ पर माहौल खराब हुआ जी सर। और मैं पूरे हिंदुस्तान को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सन 1987 में भी यहाँ पर जमहूरियत का जब एक्सरसाइज हुई तो उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीते हुए को हरा दिया, हराए हुए को जिता दिया, और एकेडमी नाम की पार्टी जो कि जीती हुई थी उसे उस समय की कांग्रेस की सरकार की मदद से जो बूटा सिंह होम मिनिस्टर हुआ करते थे उनसे हरा दिया गया। उसके बाद ही तो बंदूक यहाँ पर दाखिल हुई थी जी। और 30-40 साल लगे इस बंदूक को बाहर निकालते हुए। अभी भी बीच में एक आधी घटना होती है जो निंदनीय है, लेकिन बहुत जल्दी जो नया कश्मीर जो अमन वाला कश्मीर है वो आपके सामने आएगा, जहां पर आज 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आ चुके हैं और रोज की 100 फ्लाइट लैंड करती है। ये हम तो यही उम्मीद करते हैं कि घाटी में किसी भी व्यक्ति की मौत ना हो, सेना लगातार अपना काम करती रहे। आपका बहुत